कैसे संभव है कि उनका मंत्री बयान दे रहा है, तेजस्वी यादव को पता नहीं है? आपको लगता है कि आरजेडी में कोई मंत्री बार बार बयान दे देगा? सुधाकर सिंह ने बयान दिया तो कितना दिन मंत्रालय में रहे? वो दत्तानंद सिंह के लड़के हैं, इसके बावजूद उनको पद छोड़ना पड़ा। ये दलगत मामला है, दल वाले ही उनसे कहलवाते हैं। और जहां तक उस विषय को कहना चाहिए कि नहीं, तो कोई भी आदमी बता सकता है कि भाई आप बजाय इसके कि उलूल जलूल अनर्गल बात पार्टी के कहने पर, पार्टी के नेताओं पर के कहने पर, ये सब पार्टी वाले कराते हैं कि आप बयान दीजिए ताकि समाज में विद्वेष बढ़े, आपस में मारपीट हो, आपस में झगड़ा लड़ाई हो, बात विवाद हो, पत्रकार भी उसी में पड़ जाए और मूल विषय जो है पढ़ाई का, रोजगार का, विकास का, वो कहीं चला जाए हाशिए पर। को अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को भी सलाह देना चाहिए और सबसे पहले अपने मानना चाहिए, और फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। खुद ही ये लोग बयान दिलवाते हैं ताकि समाज में आपस में पोलराइजेशन हो, हिंदू मुस्लिम हो, अगड़ा पिछड़ा हो, और उसी पर रोटी सेकते हैं, उसी पर राजनीति करते हैं। और अब बात कर रहे हैं सकारात्मक राजनीति का, तो उनके लिए अच्छा है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि ये लोग जीवन में कभी सकारात्मक राजनीति तो किए नहीं है, न इनके बाबूजी ने किया, न माताजी ने किया, न ये खुद करते हैं। तो मीडिया को नसीहत दे रहे हैं, तो ये मीडिया को खुशी होनी चाहिए कि भाई चलिए अब लालू जी के लड़के सकारात्मक राजनीति करने की बात कर रहे हैं। कर तो सकते नहीं है, लेकिन कम से कम बात तो कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूँ, अच्छी बात है। नए लड़के हैं, अगर ये इनके समझ में आए कि राजनीतिक सकारात्मक भी होनी चाहिए तो अच्छी बात है। कैसे संभव है कि उनका मंत्री बयान दे रहा है, तेजस्वी यादव को पता नहीं है? आपको लगता है कि आरजेडी में कोई मंत्री बार बार बयान दे देगा? सुधाकर सिंह ने बयान दिया तो कितना दिन मंत्रालय में रहे? वो दत्तानंद सिंह के लड़के हैं, इसके बावजूद उनको पद छोड़ना पड़ा। ये दलगत मामला है, दल वाले ही उनसे कहलवाते हैं। और जहां तक उस विषय को कहना चाहिए कि नहीं, तो कोई भी आदमी बता सकता है कि भाई आप बजाय इसके कि उलूल जलूल अनर्गल बात पार्टी के कहने पर, पार्टी के नेताओं पर के कहने पर, ये सब पार्टी वाले कराते हैं कि आप बयान दीजिए ताकि समाज में विद्वेष बढ़े, आपस में मारपीट हो, आपस में झगड़ा लड़ाई हो, बात विवाद हो, पत्रकार भी उसी में पड़ जाए और मूल विषय जो है पढ़ाई का, रोजगार का, विकास का, वो कहीं चला जाए हाशिए पर। को अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को भी सलाह देना चाहिए और सबसे पहले अपने मानना चाहिए, और फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। खुद ही ये लोग बयान दिलवाते हैं ताकि समाज में आपस में पोलराइजेशन हो, हिंदू मुस्लिम हो, अगड़ा पिछड़ा हो, और उसी पर रोटी सेकते हैं, उसी पर राजनीति करते हैं। और अब बात कर रहे हैं सकारात्मक राजनीति का, तो उनके लिए अच्छा है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि ये लोग जीवन में कभी सकारात्मक राजनीति तो किए नहीं है, ना इनके बाबूजी ने किया, ना माताजी ने किया, ना ये खुद करते हैं। तो मीडिया को नसीहत दे रहे हैं, तो ये मीडिया को खुशी होनी चाहिए कि भाई चलिए अब लालू जी के लड़के सकारात्मक राजनीति करने की बात कर रहे हैं। कर तो सकते नहीं है, लेकिन कम से कम बात तो कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूँ, अच्छी बात है। नए लड़के हैं, अगर ये इनके समझ में आए कि राजनीतिक सकारात्मक भी होनी चाहिए तो अच्छी बात है।